कहानी 30। यीशु 5000 लोगों ने भोजन खिलावे है। यीशु अपने प्रेरिता ने प्रचार करन और लोगों ने शिक्षा देन खातिर बहुत सा अलग अलग गावां में भेजो। जद बे बठू लौटिया जठे यीशु हो वो बां बिने बतायो के बां बठे के करियो हो। फिर यीशु बने झील गए दूसरी तरफ बिंगे सागे एक शांत स्थान पर जाके कुछ समय आराम करने खातिर आमंत्रित करियो। अत बे एक किश्ती पर चढ़ गया और झील गए दूसरी तरफ चलिया गया। पर बठे बहुत सा ऐसा लोग हा जिका यीशु और चेला ने किश्ती पर जानता देखो। ये लोग बंगे आगे झील गए दूसरी तरफ जान खातिर झील गए किनारे किनारे पर भाज्या। अत जद यीशु और चेला पहुंचा तो लोगों को एक बड़ो समूह बंगी प्रतीक्षा करतो होयो बठे पहला ही पहुंच गयो। बी भीड़ में स्त्रियां और बच्चों की गिनती बिना 5000 मु ज्यादा आदमी हा। यीशु बां लोगों पर बड़ो तरस खायो। यीशु खातिर बे लोग बिना चरवाहे की भेड़ा के समान हा। ई खातिर बने बने शिक्षा देई और बंगे बीच में जिका लोग बीमार हा बने चंगो करो। दिन गए अंत में चेला यीशु ने कहो अब देर होगी है और आस पास कोई गांव भी कोनी। आ लोगों ने विदा करा ताके बे जागे खान खातिर कुछ ले। पर यीशु चेला ने कहो थे बने खान खातिर कुछ दियो। बां जवाब दियो मैं ओ किया कर सका हाँ। मारे कन्ने केवल 5 रोटी और 2 छोटी मछलियां हैं। यीशु अपने चेला ने कहो के भीड़ गा लोगों ने घास पर 50-50 गए समूहा में बैठन खातिर कहो। फिर यीशु 5 रोटी और 2 मछलियां ले गए स्वर्ग कनी देखो और भी भोजन खातिर परमेश्वर को धन्यवाद करो। फिर यीशु रोटी और मछलियां ने टुकड़ा में तोड़ो बने लोगों ने देन खातिर अपने चेला ने बे टुकड़ा दे दिया। चेला भी भोजन ने बांटता रहा और वो कदी खत्म को नहीं होयो। बे सारा लोग खागे तृप्त हो गया। बिंगे बाद चेला वो भोजन इकट्ठो करो जिको खायो को नहीं गयो और वो 12 टोकरियां ने भरण खातिर पर्याप्त हो। वो सारी भोजन भी 5 रोटी और 2 मछलियां मुँह आयो हो।